हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स में टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 116, इसमें है कंप्लीट द पैटर्न। कंप्लीट द पैटर्न मतलब आपको नंबर्स पैटर्न है वो कंप्लीट करनी है। यहाँ 2 लिखा है, 4 लिखा है, मतलब 3 छोड़ दिया है, 4 लिखा है, 5 को छोड़ के 6 लिखा है, 7 को छोड़ के 8 लिखा है। तो यहाँ 9 को छोड़ के आपको कौन सा नंबर लिखना है? 1010। तो 1010 आफ्टर 1111 छोड़ देना है, तो 1212। 1313 छोड़ के आपको 1414 लिखना है। ओके बेटा, यहाँ देखो 27, 28, 29, तो 3030, 3131, 3232, 3333। ओके, यहाँ देखो 25 लिखा है, 30 लिखा है, ये जो यहाँ आपको आंसर लिखना है 40 लिखा है, यहाँ आंसर लिखना है, यहाँ आंसर लिखना है, यहाँ आंसर, मतलब 25, 30, मतलब 5 काउंटिंग करना है। 25 में 5 ऐड करो तो 25 बाय 26, 27, 28, 29, 30, 30 लिखा है। 30 में 5 प्लस करो, 31, 32, 33, 34, 35, तो यहाँ आपको क्या लिखना है? 35 लिखना है। फिर इसमें 5 काउंट करो तो 36, 37, 38, 39, 40, 4040 लिखा है, तो 4040 में 5 प्लस करो, 41, 42, 43, 44, 45, तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा? 45 में 5 प्लस करो, 46, 47, 48, 49, 50, तो यहाँ क्या लिखना है? 50. 50 में 5 प्लस करो तो 5151, 5252, 5354, 53, 5454, 55, मतलब 51, 52, 53, 54 और 55, तो यहाँ क्या लिखना है? 55। अभी यहाँ हाउस दिया है, देखो है ना, तो 1 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है, ये हाउस खाली है, तो यहाँ आपको आंसर लिखना है। 1 में 1 के बाद 4 लिखा है, तो 1 में कितना ऐड किया है? 2, 3 और 4, मतलब 3 काउंटिंग है। सभी नंबर काउंट करके लिखो, इसमें 3 ऐड करना है और आंसर लिख के फिर 3 ऐड करना है। यहाँ लिखो 4 लिखा है, 4 में 3 काउंट करो, प्लस करो 2, 3 और 4, तो 4 लिखा, तो 5 में 3 काउंट करो, 5, 6 और 7 लिखा। ओके, अभी 7 में 8, 9 और 10, तो 3 नंबर पे कौन सा नंबर आता है? 1010। 10 में 3 प्लस करो, 11, 12 और 13, तो यहाँ आपको क्या लिखना है बेटा? 13 लिखना है, 1, 3, 13। 13 में 3 काउंटिंग करो, 14, 15 और 16। 16 में 3 काउंटिंग करो, 17, 18 और 19। ओके, तो 1, 4, 7, 10, 13, 16 और 19। अभी यहाँ 15 दिया है, 13 दिया है, 11 दिया है, मतलब 2 लेस करना है। 15 में 2 लेस करो, 15 में से 2 जाएगा तो 14 और 13, 13 में 2 लेस करो 12 और 11, इसमें 2 लेस करो तो 10 और 9, इसमें 2 लेस करो 8 और 7, इसमें 2 लेस करो 6 और 5, 5 में 2 लेस करो 4 और 3, मतलब 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 2 ऐड किया 11, 11 में 2 ऐड किया 13, 13 में 2 ऐड किया 15। अभी लास्ट टोमेटो से देखो, 1010 ये ब्लैंक्स है, 30 ब्लैंक्स, 50 ब्लैंक और यहाँ ब्लैंक्स, मतलब 10 प्लस किया है, 10 के बाद 10 प्लस करो तो 20, 30 दिया है, 30 में 10 प्लस करो तो 40, 40 में 10 प्लस किया तो 50 आया, 50 में 10 प्लस करो तो 60, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ओके, तो यहाँ देखो आपको आंसर है 2, 4, 6, 8,
टेन ट्वेल्व फोर्टीन मतलब टू टू की काउंटिंग है। यहाँ नंबर सीरियल नंबर ही है 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। यहाँ 25, ये 5 की काउंटिंग है, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। यहाँ 33 ऐड करना है, 1, 4, 7, 10, 13, 16 और 19। ओके, यहाँ है 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 और टोमेटोज में है 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो ये आज आपका होमवर्क है, पेज नंबर 116 इन टेक्स्ट बुक। ओके बेटा, यहाँ आपका 1010 चैप्टर पैटर्न्स है वो कंप्लीट होता है। तो आपको टेक्स्ट बुक में चैप्टर 10 तक जो काम भी अधूरा है उसको आपको क्या करना है, पूरा करना है। इनकम्प्लीट वर्क डू टू कम्प्लीट। ओके, पेज नंबर 116 मतलब 116 तक, चैप्टर नंबर 10 तक पूरा, एक भी पेज अनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके बेटा, और एग्ज़ाम है ना यूनिट टेस्ट, आपको पता है ना 7, 8 और 9 चैप्टर आपको रिवीजन में है। बाय।